जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी है सभी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी में हैरानी बीत जाए दिन हैरानी में बीत जाए दिन पल पल सपने हो सके ना रुठ गए सारे सपने सपने हो सके ना अपने चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ आज ढूंढ लो सुबह पारुल कन्हा की पत्नी है। साक्षरता केंद्र में जाकर पारुल आज साक्षर है, जागरूक है। गांव के प्रभावशाली महाजन की धूर्तता और चालाकी उसे जरा भी विचलित नहीं कर पाई। उसने संघर्ष किया, वो विजयी हुई। आज पारुल अकेली नहीं है, इस देश में कई पारुल मौजूद हैं जिन्हें एक नई जीवन की तलाश है और उन्हें हासिल होती है एक नई सुबह। राग अपने पर में लगाए प्रेम गन में जल ना पाए रस भरे लब फड़ फड़ाए मैं से भरे जाम छलकते सांझ ढले सूखे फूलों में कौन आए। अरे इतनी रात हो गई बेटा, कहाँ आएगा अभी तक पता नहीं। आएगा आएगा, कहीं अटक गया होगा, ना आकर जाएगा कहाँ। कितनी बार कहा है तुझसे, जोर से कस के पकड़, ढीला मत छोड़। तेरिया चरित में तो माहिर है ही तू, कितनों को तो घायल किया तूने, उसकी जोरू पर काबू नहीं कर सकी। बीबी को बहकाने से फायदा, जरूरत तुम्हें जमीन की है। इतने दिन धीरज रखा है, कुछ दिन और देखो ना। और इंतजार नहीं कर सकता ना, ना जिस तरह भी हो जैसे भी हो उसकी जोरू का अंगूठा छाप ला के दे, फिर तेरा तेरा हिस्सा तुझे देके मैं निश्चिंत। तुम हिस्सा देने का लोभ मुझे और मत दिखाओ, तुम्हारी बात सोचकर ही इतना आगे बढ़ी हूँ, नहीं तो औरत होकर और एक औरत का सत्यानाश मैं हरगिज नहीं चाहती। वाह वाह, कौवा चला हंस की चाल। कनाई की मर्जी अभी ठीक है, मगर कल उसका सर घूम जाए तो कौन कह सकता है। ना ना, जो करना है वो जल्दी कर, शुभ काम में देरी कैसी। मैं तो कोशिश करती ही हूँ, मुश्किल तो उसकी बीवी को लेकर है। मुश्किल को आसान करने के लिए तो बुलाया मैंने तुझे। तुम बहुत जल्दी धीरज खो बैठते हो, वो देखो कनाई आ गया। अरे आओ आओ आओ। कितनी देर लगा दी, मैं तो घबराने लगी थी जी। आओ आओ बैठो। अरे ढाल ढाल, उसे एक गिलास दे। कनाई, बात कुछ आगे बढ़ी? नहीं हरुदा, पारुल को मैं किसी तरह से मना ही नहीं पाया। रुको तो, अभी तो आया है बेचारा, जरा दम लेने दो, आते ही एकदम काम की बात। ये लो। अरुदा,
बात जब इतनी आगे बढ़ चुकी है, इसे सलटाए बिना मैं मानूंगा नहीं। बड़ी जिद्दी बीवी है तेरी। अरे जमीन दे देने से कितना भला होता उसका। ये देख, सवेरे अनंत के साथ बात हुई। अनंत के शहर में तेल मिल है, 1000 रुपए महीने की नौकरी पक्की है। जायदाद होना यानी हजारों झमेले, समझे ना? टैक्स दो, फिर हिसाब रखो। जमीन बेहाथ होने का डर? जमीन अगर दे दे तो कम से कम खाने पीने की मेरी गारंटी। अरे बाबा, जमीन यदि मेरे नाम में होती तो तुम लोगों को इतना कहना भी नहीं पड़ता, इतना समय भी नहीं लगता। मेरा बाप बूढ़ा मरने के पहले मेरी बीबी के नाम जमीन लिख गया। मेरे ऊपर तो भरोसा था नहीं, मेरे बाप का ही नहीं था, जोरू तो पराए घर की है। मुझे और 2 दिन का समय दो ना आरुदा। और समय तो दिया नहीं जा सकता, अगर सब जान गए तो गांव में मेरी प्रेस्टीज नहीं रहेगी। एक कनाए, मेरी तरफ देखो ना, तुम्हें कितना प्यार करती हूँ और तुम जरा सा काम नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते तो मुझसे कहो, मैं ही कह देती हूँ। ना ना, तुम मत जाना। वैसे ही पारुल दारू के महक से आ नहीं पाती, ऊपर से दूसरी औरत। ना ना, तुम्हारा जाने से और भी लफड़ा हो जाएगा। ओ, मर्द का दूसरी के पास जाने में दोष है? अरे तेरी बीबी क्या कर रही जानता है? गांव में हर कोई जानता है, शोर मच गया है। हरुदा, जोरू के चाल चलन पर जरा नजर रख, कहां आती है कहां जाती है जरा पता लगा। गृहस्थी टूटने से तेरे ही नुकसान है, मेरा क्या है? असल में जानता है कनाई, मेरा कहना ठीक नहीं लगता, पर जायदाद औरतों को देने से ना सर्वनाश, सर पे चढ़ जाएंगी। आदमी को चाहिए पांव की जूती पांव पे ही रखे। तुम जो कह रहे हो वो सब सच है हारुदा? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? विश्वास नहीं हो रहा? यहाँ तो गीता भी है, उसे पूछ के देख। सच ही तो है, इस गांव में सभी जानते हैं, मुंह से तो कोई कुछ बोलता नहीं, सारे गांव वाले तुम्हारी बीवी को ताने देते हैं। सुनो, तुम एक काम करो, रोज शाम के समय तुम्हारी बीवी सज धज के कहां जाती है जरा नजर रखो। इतनी रात कर दी, तुम हाथ मुंह धोआओ, मैं खाना लगा देती हूँ। मैं कुछ नहीं खाऊंगा। फिर तुमने दारू पी है? ठीक किया दारू पिए तो, मैं रोज दारू पीऊंगा। ठीक है, हाँ। तो रोज रोज पियो, पी कर रात भी हारू मंडल के घर गुजार दो, इस घर के नजदीक एकदम नहीं आओगे। अपने नाम पे घर जमीन है, इसी से इतना घमंड? ठीक ही कहते हैं हारुदा। श्री राम के भाई लक्ष्मण, तभी कहूँ रात भर दारू पिला के तुम्हें हारुदा यही सिखाते हैं। खबरदार खबरदार, हारुदा के बारे में कुछ भी मत कहना। हारुदा जो कहते हैं ठीक कहते हैं। तू रोज शाम को बन संवर के किसके साथ मस्ती करने जाती है? सुनो, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? चुप, एकदम चुप। तुम समझते क्यों नहीं जी, हारुदा तुम्हारे मन में जहर घोल रहे हैं। अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत कर, ठीक है? रहने दे, हारुदा जो कहते हैं छोड़ दे, लेकिन गांव के और लोग भी तेरे बारे में इधर उधर की बातें करते हैं। अब वो लोग भी क्या झूठ बोलते हैं? छी छी छी, इतने नीचे गिर गए हो तुम। अपनी बीवी पर भी तुम्हें विश्वास नहीं? विश्वास? तू मुझ पे कैसा विश्वास करती है? सुनो, आज कई दिन से कह रहा हूँ इस कागज पे अंगूठा लगा दे, जमीन हारुदा को दे दे, शहर के तेल मिल में मेरे लिए 1000 रुपए की नौकरी पक्की। 1000 रुपया एक साथ आंख से कभी देखा भी है? 1000 रुपया? वो कुछ भी कहो, वो जमीन मैं किसी को नहीं दूंगी। यदि तुम थोड़े से भी मेहनती होते तो तुम ही उस जमीन पर खेती कर सकते। हमारी इतनी उपजाऊ जमीन ऐसे ही खत्म हो रही है, यदि तुम हल उठा लो तो हमें इतनी तकलीफ ही क्यों हो? इतनी मेहनत मैं नहीं कर सकता, उससे नौकरी बहुत अच्छी है। रे पारू, देना रानी।
देना ए, इस कागज पे अपना अंगूठा लगा दे रानी प्यारी बीवी मेरे। नौकरी मिले तब तो, क्या तुम नए हो? हारू मंडल को तुम नहीं जानते? इसके पहले मदन की जमीन को लेकर गांव में क्या हंगामा हुआ? नल बॉय बकवास नहीं सुन सकता, तू साफ साफ बोल इस कागज पे अंगूठा लगाएगी कि नहीं? नहीं, तू मुझे मारो चाहे जो करो, उस कागज में क्या लिखा है जाने बिना मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगी। ठीक है मैं भी देख लूंगा, तू कब तक मेरी बात नहीं मानेगी? हारू मंडल ठीक ही कहता है, मैं भी कहूँ रोज शाम को देवी जी बंठन के कहाँ जाती हैं? हटो, मुझे जाने दो। तू कहाँ जाएगी ये मैं खूब जानता हूँ। तो क्यों रे, वो क्या देखने में मेरे से भी सुंदर है? मन को एकदम मोह लिया है? बकवास मत करो, सबको अपने जैसा समझते हो, रास्ता छोड़ो। बीवी जाएगी दूसरे मर्द के साथ मस्ती करने, कौन पति जाने देगा रे? खबरदार एकदम ऐसी वैसी बातें मत करना। यही तो सच बात सुन के बेगम साहिबा कैसे तिलमिला उठी हैं। सीधे से कह रहा हूँ, कागज पे अंगूठा लगा दे, उसके बाद जो मन में आए कर, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, आज से मैं शाम को नहीं निकलूंगी, पर उस कागज पर भी अंगूठा नहीं दूंगी। इतनी जिद तेरी, याद रखना पारुल, जमीन लेकिन मेरे बाप की है, तेरे बाप की नहीं। ऐसे बेटे हो तुम जिस पर उसका बाप भी विश्वास नहीं करता। रोज तेरी हिम्मत बढ़ती जा रही है ना, तेरे पैसों की खाता हूँ इसलिए तुझे इतनी गर्मी? अपने पति को भी गाली देती है? चुपचाप अंगूठा लगा दे, नहीं तो क्या करोगे तुम? उस कागज पर अंगूठा नहीं लगाऊंगी। तेरी तो इतनी इतनी हिम्मत, इतना घमंड, इतनी गर्मी, तुझे दिखाता हूँ तुझे। आज आप लोगों को जहाँ तक सिखाया गया है वो अवश्य घर जाकर अभ्यास करेंगे। अगले रोज हम नया पाठ शुरू करेंगे, ठीक है? अच्छा दीदी। आज यहीं तक? हाँ दीदी। एक कामिनी सुनो, पारुल तो तुम्हारे पड़ोस में रहती है ना? हाँ दीदी। वो आज आई क्यों नहीं तुम जानती हो? मुझे नहीं मालूम, पर सुना है उसके घर में कुछ झमेला हो रहा है। ठीक है तुम जाओ। चलो दीदी। हाँ पारुल, पारुल घर में हो क्या? पारुल। अरे दीदी तुम? तुम आज साक्षरता केंद्र में नहीं गई, तभी तुमसे मिलने आ गई। क्या हुआ तुम्हें? नहीं दीदी, तबीयत आज ठीक नहीं, इसलिए सोचा साक्षरता केंद्र आज नहीं जाऊंगी। दीदी तुम चाय पियोगी? नहीं रे, नहीं पियूंगी, जरा पानी पिलाओगी? हाँ तुम बैठो, मैं पानी लाती हूँ। दीदी ये लो पानी। दीदी जरा देखेंगी इस कागज में क्या लिखा है? देखें क्या लिखा है, तुम तो अब खुद ही पढ़ सकती हो, तुम तो अब साक्षर हो। पढ़ सकती हूँ दीदी, पर कानून की बात है, ठीक से समझ नहीं सकती, इसलिए सोचा तुम यदि देख दो तो मैं दस्तखत कर दूंगी। जानती हो दीदी हारू मंडल ने कहा है मैं यदि इस पर दस्तखत कर दूं तो उसे शहर में तेलकल में नौकरी देगा, 1000 रुपया महीना। सुना दीदी? रुको रुको, सर्वनाश, इसमें क्या लिखा है तुम जानती हो? नहीं। तुम्हारे मकान समेत सारे जमीन का पूरा अधिकार मांगा है वो हारू मंडल। उसका मतलब क्या है दीदी? मतलब इस कागज में दस्तखत करने से ये मकान,
ये सारी जमीन सब अधिकार तुम खो दोगी और इन सब का मालिक हो जाएगा वो हारू मंडल। ये क्या, और नौकरी देने की बात कहाँ? नहीं तो देखा दीदी, अच्छा हुआ मैंने दस्तखत नहीं किया। तुम्हारे पति भी नहीं जानते क्या लिखा है इस कागज में? वो यदि पढ़ा लिखा होता तो क्या मेरा ये नसीब होता? जानती हूँ दीदी, उसका दिल बहुत नरम है, बहुत अच्छा है, और वो शैतान उसका दिमाग खराब करता है। तुम अपने पति को समझाओ, सब कुछ खुलासा करो। बात सुनेंगे वो मेरी? एक बात दिमाग में घर कर गई दीदी, मुझे जमीन मकान जायदाद कुछ नहीं चाहिए, केवल उसका मन मेरी तरफ हो जाए। जानती हूँ दीदी, मेरे ससुर जी ने मरने से पहले मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बहू मेरा लड़का बहुत भोला है, सब उसे ठग लेंगे, इसलिए तुम्हें ही सब देकर जा रहा हूँ, और उसके भोलेपन का फायदा उठा रहा है हारू मंडल। दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, तुम कुछ उपाय करो। उपाय ठीक निकलेगा पारुल, दरअसल जानती हो इन सबों की जड़ है अशिक्षा। आज अगर तुम्हारे पति पढ़े लिखे होते वो कब के समझ गए होते कि हारू मंडल उसका कितना सर्वनाश करने जा रहा है। जो भी हो चलो। कहाँ दीदी? पंचायत ऑफिस में, पंचायत प्रधान तो तुम्हें जानते हैं। ना ना दीदी, लोग बाग जान गए तो इस गांव वालों को मुंह कैसे दिखाऊंगी? तो फिर इतने भरे अन्याय को कैसे मान लिया जाए पारुल? लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी। डर कैसा पारुल, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। अरे सुलेखा बैठो बैठो। समुदार मैं अभी चलूँ। अच्छा, काम खत्म करके आऊंगा। ठीक है, तुम्हारे वापस आने तक मैं यहीं रहूंगा। अच्छा तब कहो, तुम्हारा साक्षरता केंद्र ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ। अच्छी बात, तुमने साक्षरता के दूसरे भाग की किताबें और ब्लैक बोर्ड के बारे में कहा था ना, वो सब तैयार है, कल रतन के हाथों भिजवा दूंगा। ठीक है शंभुदा। हाँ? आज मैं एक दूसरे काम से आई हूँ। कैसा काम? तुम तो इसे जानते हो। हाँ अच्छी तरह, तो कनाई की बीवी है, तुम्हारे साक्षरता केंद्र में पढ़ती भी तो है, पूर्णिमा ना? पारुल पारुल, ओ, पारुल हाँ हाँ। दरअसल ये मुसीबत में है। क्या हुआ? इसके पति के अनपढ़ होने के वजह से हारू मंडल इसके पति को फुसलाकर पारुल से उसकी सभी जमीन बिना शर्त लिखवा लेना चाहता है। ये तो बहुत गलत है, लेकिन इस मामले में पंचायत क्या कर सकती है कहो तो? ये तो उनका आपसी मामला है। ना ना शंभुदा, पहले क्या हारू मंडल ने गांव के लोगों को ठगा नहीं, और उस वक्त आपने सभी की सहायता की थी, आज पारुल के लिए दूसरा नियम क्यों होगा? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? पारुल यदि समझ गई है कि हारू से ठगना चाहता है तो कागज पे दस्तखत ही ना करे, इसमें दिक्कत कहाँ है? तुम समझते क्यों नहीं शंभुदा, एक औरत कितनी बेसहारा होने पर पंचायत में आती है? इसके पति को हारू मंडल ने ऐसे वश किया है कि वो अपने बीवी से जबरन कागज में दस्तखत करवाना चाहता है। उसकी जड़ में है हारू मंडल, उसे रोकना ही होगा, तुम लोगों से ही होगा। तुम एक काम करो, तुम कागज पर दस्तखत करने को तैयार हो जाओ, तुम हारू मंडल से कहना कल नहीं परसों सुबह 10 बजे तुम्हारे घर पे आ जाए, और तुम उसके सामने ही कागज पे दस्तखत करोगी। पर खबरदार, हारू मंडल सब जान ना पाए कि ठीक उसी समय हम लोग भी वहां मौजूद रहेंगे। लेकिन नहीं, इसमें कोई लेकिन लेकिन नहीं, तुम निश्चिंत रहो, हम लोग पंचायत के रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बोतल खलास, अरे बोतल देना बेटा। तुम कैसे इंसान हो, जिसके पैसे से नशा करते हो उसको भी तो समझो। और दो दिन ठहर जा, तू जानती है पारुल कितनी जिद्दी औरत है। दो दिन करते करते बहुत दिन हो गए, जरा जल्दी कर, नहीं तो कुछ और सोचो फिर।
हारूदा जो कहते हैं वही करो, अपनी बीवी को समझाओ। तेल मिल की जो नौकरी है तुम्हारे लिए पड़ी तो नहीं रहेगी। क्या लफड़ा है, अरे तुम लोग के पास चैन की सांस लेने आता हूँ। सो नहीं, जमीन जमीन जायदाद हिसाब किताब। अरे बाबा ये क्यों नहीं समझते, जमीन तो मेरे नाम पे नहीं है, बीवी के नाम पे। मूर्ख है तो क्या हुआ, बहुत समझदार औरत है। सच्ची तो है, कनाई यहाँ आया है चैन की सांस लेने, तुम होगे? इसने कहा ना दो दिन में जो भी कुछ होगा इंतजाम कर देगा, तुम इस बारे में कुछ मत कहो। और कितने दिन? क्या जी तबीयत खराब है क्या? छोड़, इतने प्यार की जरूरत नहीं। तुम कुछ समझते क्यों नहीं, तुम जो ये दारू पीते हो, अगर तुम्हें कुछ हो हवा गया तो मेरा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, प्यार करने के लिए यार लोग हैं, बाप जमीन छोड़ गया है, तुझे चिंता कैसे? तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? तुम मेरी ओर देखो, देखकर लगता है मेरे मन में कुछ खोट है। बाबा इतना गुस्सा? ठीक है, हारू मंडल को जमीन देने से तुम खुश हो जाओगे, मैं दे दूंगी। क्या देती है पारुल, तू सचमुच दे देगी? सचमुच? तो फिर दे, अभी अंगूठा लगा दे। तुम्हारी बीबी अब अंगूठा नहीं लगाती, अब वो दस्तखत खुद कर सकती है। दस्तखत कैसे सीख गई? तुम तो जानते नहीं इस गांव में साक्षरता केंद्र खुला है, तुम्हारी बीबी रोज शाम को वहाँ लिखना पढ़ना सीखने जाती है, और तुम सोचते हो छी कितनी ओछी बातें। लेकिन ये हारूदा ने कहा, ठीक है तू दस्तखत ही कर दे। आज नहीं जी, परसों करूंगी, ठीक सुबह 10 बजे तुम हारूदा को बुला लेना, मैं दस्तखत कर दूंगी। परसों क्यों, कल क्यों नहीं? परसों का दिन ना बहुत अच्छा है, तुम हारूदा को ठीक सुबह 10 बजे बुला लेना, मैं दस्तखत कर दूंगी। वो यदि देर करेंगे तो दूसरा दिन तय करना होगा। ना ना ना, मैं कल ही जाकर हारूदा को खबर कर दूंगा। अरे पारू तू सचमुच करेगी? हाँ जी मैं सचमुच दस्तखत करूंगी, तुम हारूदा को सुबह 10 बजे आने को कहो, मैं जरूर दस्तखत कर दूंगी। कनाई बाबू, अरे कहाँ गए? ये देखो कनाई कहाँ है? वो तो जरा बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे, आप बैठिए। और तुमने जो 10 बजे आने को कहा था? जी हाँ वो आ गए। ये देखो तुम आ गए हारूदा, मैं तुम्हें खोजने निकला था। मुझे ढूंढने गए थे? जवान का पक्का हूँ मैं, 5 मिनट पहले ही आ गया। हाँ। ये शुभ काम में देर क्या है, ये स्याही कलम सब साथ में लाया हूँ, बिल्कुल पक्का काम। हाँ। दादा आपने कहा था जमीन आपके नाम करने से आप इन्हें नौकरी देंगे। हाँ आने से सब बात हो गई है, लिखा तो है कागज में, सब लिखा है। तो मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़ नहीं सकती, जरा दिखाएंगे कहाँ लिखा है? अगर पढ़ सकती ना तो देख सकती, ये देखो ये लिखा है, जमीन मिलने पर 1000 रुपया महीना पक्का। ये देखो ये साफ लिखा है। अच्छा कागज कलम में पक्का काम। हाँ तुझे मैंने कहा था ना, हारूदा ऐसे वैसे आदमी नहीं है, वो जो कहते हैं वही करते हैं। जवान का पक्का हूँ मैं। किंतु दादा यहाँ पर तो नौकरी की बात लिखी नहीं है, लिखा हुआ है आज से जमीन मकान सब आपका हो जाएगा। पढ़ना जानती है तो खुद ही देख लेती है। तो किसे क्या कह रही है पारुल, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? श्रीमती पारुल बालादास मार्फत पति श्री कनाई दास इस दलील से वचनबद्ध होती हूँ कि अपना घर संपत्ति और 2 बीघा जमीन बिना शर्त के श्री हारू मंडल के नाम दान करती हूँ।
कनाई, तेरी बीवी लिख पढ़ सकती है, तूने पहले तो बताया नहीं? हारुदा, पारुल जो कह रही वो सब सच है? नहीं नहीं, वो सब कागज में लिखा नहीं है, ये उसकी चालबाजी है। वाह हारू बाबू वाह, अपने हाथ की लिखावट खुद ही नहीं पहचान पा रहे। कनाई, इतनी देर तूने नाटक रचा, मुझसे बेईमानी? बेईमान? बेईमान मैया तुम? तुम्हारे जैसे बदमाश पे मैंने भरोसा किया था, तुमने मेरी शराफत का फायदा उठाया? छी कन्हाई, आज तुम्हारी बीवी साक्षरता केंद्र में जाकर पढ़ लिख गई है, इसलिए तुम्हें बचा पाई। आज तुम भी अगर पढ़ लिख लेते तो बहुत पहले ही हारू मंडल जैसे आदमी के हाथ से अपने को बचा पाते। हारू बाबू, आपका लोभ देखकर मुझे हैरत हो रही है। यह है आपका थर्ड केस, आपको मैं पंचायत की ओर से लास्ट वार्निंग देता हूँ। यदि भविष्य में आपने किसी गांव वाले को ऐसे ठगने की कोशिश की तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप फौरन यहाँ से चले जाइए, निकलिए बाहर। तू मुझे माफ कर दे पारुल, तेरे आगे मैं बहुत छोटा हो गया रे। नहीं नहीं, हम दोनों क्या अलग अलग हैं? ए जी, तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई गलत धारणा तो नहीं, दूसरी कोई बात तो नहीं? ना रे पारुल, तेरी वजह से तो आज हमारा घर बच गया। वैसे आगे से मैं और गलती नहीं करूंगा, करना चाहता भी नहीं। तो तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? चलो ना। अरे कहाँ कहेगी तू? चलो। हाँ। ये देखो किसे पकड़ कर लिया है, ये तो किसी भी तरह आना नहीं चाहते थे, मैं ही खींच कर लिया है। बहुत अच्छा किया। पारुल वहाँ बैठो। कनाई तुम भी बैठो वहाँ पर। शर्म की क्या बात है, बैठो। ए, तुम्हारे पास कोई किताब हो तो उसे दो तो। घर के पास करीम की बेटी, जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी है, सभी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी हैरानी बीत जाए दिन।